गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, दोहावली, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक आदि की रचना की थी। उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माना जाता है। तुलसीदास जी ने अपनी कई बातों के बारे में लिखा, जिनका पालन करके व्यक्ति सुरक्षित जीवन के साथ सुख सौभाग्य के साथ रह सकता है। जानिए ऐसे ही कुछ बातों के बारे में जो आपको अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हुआ था। जन्म के समय रोने के बदले उनके मुख से राम नाम निकला था, इसी के कारण उनका नाम राम भोला रख दिया गया था। बचपन में ही माँ की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी दासी चुनिया ने उनका लालन पालन किया था, लेकिन महज 5 साल की उम्र में उनका विनिधन हो गया था। आइए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के अनमोल वचनों को। जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता, इसलिए आप सभी आकांक्षाओं के तनाव से मुक्त होकर अपना काम करते रहो। जो इंसान निरंतर सुख करता रहता है उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। मैं रिश्तेदारों के आचरण से भलीभांति परिचित हूँ। वो अपने रिश्तेदारों की परेशानियों में आनंदित होते हैं। उदासी अत्यंत बुरी चीज़ होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। सर्वनाश की प्रमुख 3 कारण इस प्रकार है: दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नज़र और अपने ही मित्र की चरित्र व अखंडता पर शक। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल के फूल की पत्ती पर होते हुए भी उस पर चिपक नहीं सकता। जिनके पास धर्म का ज्ञान है वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। बड़े कहते हैं कि विद्वानों व बुद्धिमानों से परामर्श ही विजय का आधार होता है। पिता, गुरु, ज्येष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ज्ञान देते हैं वो सभी पिता के समान होते हैं। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। दया, सद्भावना और मानवता महान पुण्यकारी गुण हैं। उदास ना होना, कुंठित ना होना अथवा मन को टूटने ना देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। बिना पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और पहलवान बेवजह नहीं दहाड़ते हैं, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। जो अपनों को त्याग कर दुश्मनों के शिविर में चला जाता है, उसी के पुराने शिविर के अपने ही साथी दुश्मन को मारने के पश्चात उसे भी मार डालते हैं। तमह ही व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ और कमजोर बनाता है। दुष्टों व राक्षसों से समझौते की बात या नम्र शब्दों से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी धनवान व्यक्ति को छोटा मोटा उपहार देकर उसे शांत नहीं किया जा सकता। मुखिया को मुख समान होना चाहिए। जो खाने पीने को तो अकेला है लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से सब अंगों का पालन पोषण करता है। उत्साह में असीमित शक्ति होती है। उत्साहित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अपने जीवन का अंत कर देने से कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। सम्मान की रक्षा भी हो, मांगा भी जाए और प्रीतम का नृत्य नया नया स्नेह भी पड़े, ये 3 विपरीत बातें हैं। जगाया तो उसी को जा सकता है जो सो रहा हो।
किंतु जो जागते हुए भी जानबूझकर सोने का बहाना कर रहा हो, उसे जगाने से क्या लाभ। मीठे वचन से चारों ओर सुख फैलता है। किसी को भी वश में करने का यह एक मंत्र है। इसलिए इंसान को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करे। उत्साहहीन, निर्बल व दुख में डूबा हुआ इंसान कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराइयों में डूब जाता है। धर्म किसी देश के सभी लोगों को एकजुट रखने में समर्थ होता है। मित्र से याचना करने से प्रेम बढ़ता नहीं, घटता है। जो किसी से धन व सामग्री की सहायता लेने के पश्चात अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता, तो वह संसार में सबसे अधिक बुरा इंसान माना जाता है। सम्मान चाहने वाले व्यक्ति मांग नहीं सकता, मांगने वाले का सम्मान नहीं रह सकता। ईश्वर ने संसार को कर्म प्रधान बना रखा है। इसमें जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। धन, सुख, संपत्ति व समृद्धि सभी धर्म के मार्ग में ही प्राप्त होते हैं। अत्यधिक लंबे समय की दूरी या ओझलपन से प्रेम व स्नेह में कमी आ जाती है। जब तक इंसान के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए हैं, तब तक एक अज्ञानी व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। दोनों एक जैसे ही होते हैं। किसी भी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। उदास व दुखी ना होना, अपने कर्तव्य का पालन करने की क्षमता, कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की क्षमता। वीर व बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। सभी का चेहरा उनके अंदरूनी विचारधाराओं व भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचारधाराओं व भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है, और देखने वाला उन्हें भांप सकता है। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी न कभी अवश्य होगी। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारणवश वे आँखों से बाहर निकलते हैं। धन्यवाद।